जी आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लीवरेज। लीवरेज का मतलब क्या है? लीवरेज का मतलब होता है कि यदि कोई चीज़ हम कम एफर्ट लगा के उसका बेनिफिट यदि हमें ज़्यादा लेना है तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको हम कहते हैं लीवरेज। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, उसे हमें धक्का देना है और यदि हमें एक जगह से उस पत्थर को दूसरी जगह लेके जाना है तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर वन क्या आपके पास में, कि जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है इसे इस तरीके से फोर्स लगाया जाए तो आपको क्या लगता है फोर्स क्या लगेगा, मेहनत क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा। लेकिन यदि इसी पत्थर को हटाने के लिए हम यहाँ पर लीवरेज का यूज़ करें, लीवर का यूज़ करें, तो हमारे को एफर्ट्स क्या लगाने पड़ेंगे? कम लगाने पड़ेंगे। अभी मान लीजिए जो आपको स्टोन दिखाई दे रहा है, पत्थर दिखाई दे रहा है, सपोज करते हैं 100 kg का, तो यहाँ जो वेट लगाया जाएगा, जो वजन लगाया जाएगा इस पत्थर को हिलाने के लिए, क्या हमें 100 किलो के बराबर का वजन लगाना पड़ेगा? मुश्किल से ये जो बंदा हाथ यहाँ पे फोर्स लगाएगा उसे 100 किलो की जगह ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 किलो का वेट के बराबर का वजन लगाना पड़ेगा और पत्थर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन टू और ऑप्शन वन में फ़र्क क्या है? ऑप्शन वन में यदि मुझे स्टोन को, पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, हटाना है, तो मेहनत क्या करनी पड़ रही है? ज़्यादा करनी पड़ रही है। और बहुत ज़्यादा पावर लगाने के बाद भी थोड़ा सा ही जो आपका पत्थर है एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। लेकिन यदि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पे मैंने एक रॉड ले रखी है और उस रॉड की मदद से मैं पत्थर को क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, तो पत्थर का वजन ज़्यादा है और जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स क्या होगा, कम। यहाँ पे जो बंदा है इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जबकि इस पर्सन को देखो आराम से खड़ा है और सिर्फ अपनी जो मेहनत कर रहा है वो किससे कर रहा है, अपने हैंड से। क्या वो इस पर लटक गया? नहीं। तो यहाँ पे उसके एफर्ट्स कम है और यहाँ इसके एफर्ट्स क्या है, ज़्यादा। तो लीवरेज क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि हम थोड़े से एफर्ट लगाकर कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एफर्ट्स का मतलब है गुड्स को बेचना, गुड्स को बेचने में एफर्ट्स लगती है और उससे बदले में क्या मिलता है आपको, प्रॉफिट मिलता है। तो जरा सी हम सेल्स करें, सेल बढ़े 10% 15% और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए 40 से 50%, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? कि सेल मेरी बढ़ी सिर्फ कितने परसेंट, 10-15%, और जितना प्रॉफिट मैं पहले कमा रहा था उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 40 से 50%। मान लो सेल थी 1 लाख, हो गई 1,10,000, सेल कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी, और मेरा प्रॉफिट पहले था 40,000, अब हो जाए 80,000। तो 40,000 से 80,000 कितना हो गया, 40,000 रुपये बढ़ा, मतलब 50% बढ़ गया। तो सेल तो मैंने बढ़ाई कितने परसेंट, 10%, और प्रॉफिट मैंने कितना बढ़ा दिया अपना, 50%। तो वो टेक्निक जहाँ पे कम एफर्ट्स लगाकर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, लीवरेज कहते हैं। तो लीवरेज चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इनकम स्टेटमेंट की। नोट करते जाइए आप भी। सबसे पहले हमें क्या करना है, गुड्स को बेचना है, मतलब कि सेल्स करनी है। उस सेल में से हम क्या माइनस करेंगे, अपनी वेरिएबल कॉस्ट, और फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं नाम, वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा आपके पास है फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उसका नाम होगा EBIT, जिसको आप कहते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट। तो हमारे पास रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना, 100% फुल फॉर्म यूज करना है। इसमें से क्या माइनस करना अपने, टैक्स। तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ जी, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर
या आप इसकी जगह लिख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। लास्ट में आप इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग पर शेयर, नोट कीजिए। तो सेल में से हमने माइनस करा वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, आपके पास आएगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर और उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आएगा अर्निंग पर शेयर। अब पॉइंट यहां पर बनता क्या है कि जो प्रॉफिट हम कमाएंगे सेल करने के बाद, उसमें पहला प्रॉफिट का नाम क्या है, ईबीआईटी, उसको हम क्या कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और दूसरा प्रॉफिट हम किसके लिए कमा रहे हैं, इक्विटी शोल्डर के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में ऑनर कौन होते हैं, इक्विटी शोल्डर, डिबेंचर होल्डर हो गया या बैंक हो गए या प्रेफरेंस होल्डर हो गए, ये लोग ऑनर नहीं होते, और जो कोई ऑनर नहीं है आउटसाइडर हमारी नजर में, और यदि कोई पर्सन आउटसाइडर है तो हम उसके लिए ज्यादा सोचेंगे या कंपनी का जो ऑनर है उसके लिए ज्यादा सोचना चाहिए, कंपनी के ऑनर के लिए सोचना चाहिए। तो कंपनी जानना चाहती है कि जो सेल हम कर रहे हैं उस सेल से हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कितना बड़ा फर्क, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इक्विटी शोल्डर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इक्विटी शोल्डर का जो प्रॉफिट है उसे हम प्रॉफिट फॉर इक्विटी शोल्डर ना कहके हम उसकी पहचान किससे करते हैं, अर्निंग पर शेयर से, क्योंकि यदि हम किसी को कहें इक्विटी शोल्डर को हमने 1,00,000 रुपए कमाया तो वो सोचेगा मेरे लिए 1,00,000 रुपए कमाया, जबकि 1,00,000 रुपए किसका प्रॉफिट होता है, होल कंपनी का। तो कभी भी किसी पर्सन से बात करो तो उसे ये मत बोलो कि भाई हमने 1,00,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, उसे बोलो आपके लिए हमने 1,00,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर 10,000 कितने रुपए प्रॉफिट कमाया, 10 रुपए। तो इक्विटी शोल्डर को क्या लगेगा, मेरा प्रॉफिट 1,00,000 है या मेरा प्रॉफिट 10 रुपए, 10 रुपए। तो हमेशा जब भी किसी पर्सन से बात करो ये सोच के बात करो कि आपको जो आंसर देना है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आंसर देना है, ताकि आंसर सुनने के बाद उसको गलत फहमी ना हो, यार मुझे तो 1,00,000 बताया था और अब कितना दे रहे हैं, 10 रुपए, तो गलत फहमी का शिकार बन जाएगा ना इक्विटी शोल्डर, और उसका डिसीजन क्या हो जाएगा गलत, यार ये कंपनी ने शुरू में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कहा था प्रॉफिट 1,00,000 कमाया, अब जो मैंने पैसा लगा दिया तो 10 रुपए दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। तो कभी भी आंसर दो तो किसका दो, पर्टिकुलर पर्सन का आंसर दो। तो कंपनी जानना चाहती है कि सेल के बढ़ने से कंपनी के ईबीआईटी पे कितना फर्क पड़ा, ईबीआईटी के बढ़ने से अर्निंग पर शेयर पे क्या फर्क पड़ा, कंपनी के सेल से डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर पे कितना फर्क पड़ा, यह हम मेजरमेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मेजरमेंट। क्या जानना चाहते हैं आज की क्लास में हम, कि सेल के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर, सेल के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर कंपनी के ईबीआईटी पे कितना इंपैक्ट पड़ा, पहला इंपैक्ट क्या चेक करना चाहते हैं सेल का ईबीआईटी पे, दूसरा इंपैक्ट क्या देखना चाहते हैं, जब सेल बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ईबीआईटी चेंज होगा, ईबीआईटी चेंज होगा तो कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर भी चेंज होगा, तो दूसरा इंपैक्ट क्या देखना है, ईबीआईटी में फ्लक्चुएशन आने पर, ईबीआईटी में फ्लक्चुएशन आने पर अर्निंग पर शेयर पे कितना फर्क पड़ा, और तीसरा इंपैक्ट हम देखना चाहते हैं सेल के बढ़ने से डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर पे कितना फर्क पड़ा। तो इन तीन चीज को जानने के लिए, तीन इंपैक्ट को जानने के लिए हमने जो टेक्निक यूज किया उसका नाम क्या है, लीवरेज टेक्निक। तो लीवरेज टेक्निक क्या बताता है कि सेल के जरा से बदलाव पर, सेल के जरा से बदलाव से ईबीआईटी पर या ईपीएस पर कितना इंपैक्ट पड़ा। पहला इंपैक्ट क्या देखना है, सेल का ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट है, दूसरा क्या देखना है ईबीआईटी का ईपीएस पे क्या इंपैक्ट है, और तीसरा सेल का डायरेक्टली ईपीएस पे कितना इंपैक्ट है। तो इन तीन इंपैक्ट को, इन तीन रिजल्ट को जानने के लिए हमने लीवरेज टेक्निक का यूज करना है, और वहां पे तीन लीवरेज यूज होंगे। पहला कौन सा, यदि सेल का ईबीआईटी पे इंपैक्ट चेक करना है तो हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। यदि ईबीआईटी का ईपीएस पे इंपैक्ट चेक करना है तो हमारा आंसर होगा फाइनेंशियल लीवरेज, और यदि हम सेल का
अर्निंग पर शेयर पे डायरेक्ट इंपैक्ट देखना चाहते हैं तो लीवरेज का नाम होगा कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। तो कितने तरीके के लीवरेज आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने, तीन तरीके के पढ़ने, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। देखिए एक तरीका तो ये होता है कि अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम बार बार इनकम स्टेटमेंट बनाए अलग अलग सेल पे, उसमें टाइम क्या लगता है, ज्यादा। एक हमें शॉर्टकट टेक्निक मिल जाए कि यदि हम सेल 10% बढ़ाएं और हमारा अर्निंग पर शेयर 20% बढ़ जाए, ध्यान से सुनना, यदि मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया और वहां पे पर्सन जो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उन्होंने कहा यदि हमारी सेल 10% बढ़ जाए, हमारी सेल आज 1,00,000 है, 10% बढ़ गई, तो आप सबसे पहले बताइए हमारा ईपीएस कितना है। यदि हमारी सेल 10% बढ़ेगी तो हमारा ईपीएस नया वाला कितना होगा, नया वाला का मतलब 10% सेल बढ़ने के बाद। तो मेरे पास आंसर देने के दो तरीके होंगे उस समय। पहला तरीका, मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा एक बार 10,00,000 जो मेरी सेल थी 1,00,000 उस पर, और एक बार किस पे बनाऊंगा, 10% सेल बढ़ने के बाद। उसमें टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है वो कह रहा है यार तुम कोई और तरीका बताओ जिसमें समय क्या लगे कम, तो फिर मैं उनको टेक्निक कौन सी बताऊंगा, लीवरेज। लीवरेज में मैं क्या कहूँगा, 10% सेल के बढ़ने से मेरा ईपीएस 20% बढ़ता है। मैंने कहा 10% सेल के बढ़ने से मेरा ईपीएस 20% बढ़ता है। यदि मेरा ईपीएस पहले 2 रुपये था तो 2 रुपये का 20% कितना हुआ, 40 पैसे। अब मेरा ईपीएस कितना होगा, 2 रुपये 40 पैसे। जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था वो खुद हिल गया, कहते इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दिया। मैंने कहा नई टेक्निक का नाम क्या, लीवरेज। और कौन सा लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, क्योंकि इस लीवरेज की मदद से मैं सेल का इंपैक्ट डायरेक्टली किस पे चेक कर सकता हूँ, ईपीएस पे कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके की मॉडर्न टेक्निक है जिसका यूज एक बिजनेसमैन करता है सीधा सीधा सेल का इंपैक्ट किस पे देखने के लिए, अर्निंग पर शेयर। तो जो इन्वेस्टर है वो बार बार इनकम स्टेटमेंट बनवाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना खुद करना चाहता या जिससे इनकम स्टेटमेंट बनाएगा उसका भी टाइम वेस्ट होगा। हमने सीधा सीधा क्या ढूंढना है कि सेल का इंपैक्ट ईबीआईटी पे डायरेक्टली कितना है, ईबीआईटी का इंपैक्ट डायरेक्टली ईपीएस पे कितना है, सेल का इंपैक्ट डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर पे कितना है। डायरेक्टली का मतलब समझ के बिना बीच की कैलकुलेशन करे हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं, एंड तक पहुंचना चाहते हैं। तो हर आंसर को निकालने के लिए एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुरानी अप्रोच है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट बनाकर हम शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में कहां पे पहुंच जाएंगे, ईपीएस। दूसरी मॉडर्न टेक्निक है जिसका नाम क्या है, लीवरेज टेक्निक, जहां पर हम बार बार इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे बल्कि लीवरेज निकालकर हम सीधा एंड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अच्छा, कोई रिजल्ट में चेंज आएगा कि मैं ट्रेडिशनल से आंसर निकालूं या मॉडर्न अप्रोच से निकालूं, आंसर क्या रहेगा, सेम। फर्क बस किस पे, टाइम की सेविंग होगी। बस समझ में आ रही, चलिए नोट कर लिया सबने, करना है किसी ने। तो देखिए भाई, आपकी क्लास में जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट क्या रहा है, कम। मेहनत ज्यादा कर रहे हैं फिर भी बच्चा पास नहीं हो रहा है, या पास भी हो रहा है तो बहुत कम नंबर से पास हो रहा है, 40-45 के बीच में रहा है, एग्रीगेट नहीं बन पा रहा। दूसरे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं नंबर क्या लाते हैं, ज्यादा। तो थोड़ा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन करके जाना है, थोड़े पढ़ने का मतलब है कि जो भी पढ़ो वो एग्जाम तक रिटेन करके रखो माइंड में। मैंने देखा एग्जाम से पहले बच्चे क्या कर रहे होते हैं, 10 लोगों को फोन करते हैं, तेरे टीचर ने तेरे को क्या नोट्स प्रोवाइड किए, सबके नोट्स इकट्ठे कर लिए, किसी के कलर नोट्स हैं, किसी के ब्लैक एंड व्हाइट है, किसी के 50 कलर्ड है, 50 ब्लैक एंड व्हाइट है। नोट्स इकट्ठे करने के बाद में बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे को पूरी दुनिया के नोट्स मिल गए। अरे खोल के भी तो देख ले, खोल के तो देखता नहीं है, सिर्फ वो क्या करता है मोबाइल की स्टोरेज में रख लेता है, उसका प्रिंट आउट तो निकालो, पढ़ना तो स्टार्ट करो, तब तो पता चलेगा उसके नोट्स में था क्या। तो आपने मटेरियल तो क्या कर लिया, पूरे इंडिया का इकट्ठा कर लिया, और खोल के किसी का भी नहीं देखा, जिससे आपने कोचिंग ली थी उसके नोट्स को भी हाथ नहीं लगा के देखा, क्योंकि उसको लगा यार ये बंदे ने तो पहले ही नोट्स दे दिए, अब तो दूसरी जगह से नोट्स आ रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो मटेरियल इकट्ठा करके सारे मटेरियल को खोल के देखने में टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी ना, मेहनत क्या कर रहे हो ज़्यादा। सबके नोट्स क्या होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं, ऐसे नहीं कि मैं लीवरेज में कुछ और पढ़ाऊंगा तो दूसरे टीचर ने कुछ और पढ़ाना, तीसरे ने कुछ और पढ़ाना, सबने क्या सेम ही है, बस एग्जाम्पल में फर्क हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन काम तो नोट्स तो क्या होंगे सबके, फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा वही फॉर्मूला वो बताएंगे, वही फॉर्मूला तीसरा बंदा बताएगा, चौथा भी वही बताएगा, जब फॉर्मूला एक ही है तो एक ही रहेगा ना पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में,
बात समझ में आ रही है? तो आप ना नोट्स के पीछे ना भागें, एफर्ट्स क्या लगाएं, कम ही लगाएं। जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं आप पहले उन सारे के सारे नोट्स को पढ़ें, ठीक है ना। आपने 10 नोट्स इकट्ठे कर लिए, 10 नोट्स को बार बार पढ़ रहे हो एक ही चैप्टर के लिए, एफर्ट्स क्या लगा रहे हो? ज़्यादा समय ज़्यादा लगा नहीं लगा? यदि एक नोट्स को पढ़ने में 2 घंटे लग रहे हैं एक टीचर के, और आपने 10 नोट्स ले लिए 10 टीचर के, 20 घंटे लगा रहे हो। यदि एक कोई ढंग से समझा होता तो जो काम 20 घंटे में कर रहे हो वो काम कितने में कर लोगे? 2 घंटे में कर लोगे। तो लीवरेज टेक्निक है, वो कहते हैं कम एफर्ट्स में आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हो, ठीक है रे? नोट कर लिया तक इनकम स्टेटमेंट तक सारा। अब यहां से देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीवरेज की। लिखते जाओ फटाफट से, आप भी हाँ जी, लीवरेज टेक्निक का मतलब क्या होता है? पहले तो लीवरेज का मतलब क्या है? मैग्नीफाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, मतलब सेल का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे कितना आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? लीवरेज। तो सेल आपको क्या करनी है, मान लो सेल आप बढ़ाते हो 10%, आपकी सेल इंक्रीज कितनी हो गई? 10%। और आपका प्रॉफिट कितना हो गया? मान लीजिए 40% इंक्रीज हो गया। तो आपने एफर्ट्स क्या लगाए हैं? सिर्फ सेल को 10% बढ़ाने में। और उस एफर्ट्स का रिजल्ट क्या हुआ कि आपका जो प्रॉफिट है वो एग्जिस्टिंग जितना प्रॉफिट था उससे 40% क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। मान लो आपकी सेल थी पहले 1 लाख रुपए, कितनी थी? 1 लाख। अब आपकी सेल 10% बढ़ी और आपकी सेल कितनी हो गई? 1,10,000। हाँ जी, पहले आपका जो EBIT था, अर्निंग प्रॉफिट जो आप कमा रहे थे, मान लीजिए था 40,000। अब 40,000 का 40% कितना हुआ? 40,000 का 40% कितना हुआ? 16,000। 16,000 पे बढ़ने पर कितना आ गया? 56,000। तो आपने एफर्ट्स लगाए 10% और आपका रिजल्ट कितना हुआ? 40% एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल का इम्पैक्ट EBIT पे देखें तो क्या पड़ा? जब आपकी सेल 10% बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ता है? 40% बढ़ता है। इसका मतलब कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। इसका ना आपकी सेल यदि 10% बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? 4 टाइम्स बढ़ेगा। इसी तरीके से यदि कंपनी कहती है हमारी सेल 15% बढ़े, हमारी सेल कितनी बढ़े? 15%। तो बताइए हमारा प्रॉफिट कितना होगा 15% सेल बढ़ने के बाद? तो मैंने कहा जी 15% का 4 गुना कितना हुआ? 15% का 4 गुना कितना हुआ? 60%। तो आपका जो EBIT पहले 40,000 रुपये था, अब वो 40,000 का 60% कितना हुआ? 24,000। कितना हो जाएगा? 64,000 हो जाएगा। तो यदि मैं अपनी सेल को 15% इंक्रीज करूंगा तो मेरा EBIT 60% बढ़ेगा, और 60% बढ़ने के बाद वो EBIT 40,000 से कितना हो जाएगा? 64,000 हो जाएगा। तो क्या मैंने इसके लिए इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की? क्या मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला? क्या मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस की? इसका मतलब बिना मेहनत करे सीधा सेल का इंपैक्ट मैंने किस पे देख लिया? EBIT पे देख लिया। और इस लीवरेज का नाम क्या रख दिया? ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है रे? नाम ऑपरेटिंग ही क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर हम जो वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं वो बिजनेस के खर्चे ले रहे हैं। फिक्स कॉस्ट कौन सी को ले रहे हैं? बिजनेस की। EBIT कौन सा प्रॉफिट होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सेल का इंपैक्ट हम कौन से प्रॉफिट पे देख रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देख रहे हैं। कौन से खर्चों का चेंज देखना चाहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट होती है हमारी? ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन सी होती है? तो यहां सारी चीजें कौन सी यूज हो रही है? ऑपरेटिंग। इसलिए लीवरेज का नाम भी क्या रख दिया हमने? ऑपरेटिंग। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, हम ये जानना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा एफर्ट लगाकर कितना रिटर्न मैक्सिमम ले सकते हैं। तो यहां पर हम जरा सी सेल्स को बदलकर ज्यादा से ज्यादा अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहते हैं?
बड़ा चढ़ाकर देखना चाहते हैं। तो लीवरेज क्या है? लीवरेज हम ये समझाता है कि यदि हम सेल को जरा सा चेंज कर दें तो प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए, अच्छा यहां पे जो प्रॉफिट है प्रॉफिट का इंपैक्ट सेल पे देखना है या सेल का इंपैक्ट प्रॉफिट पे देखना है? बोलो भाई, सेल्स का इंपैक्ट किस पे देखना है? प्रॉफिट पे। तो हमारे जो प्रॉफिट है लिखते जाओ आप भी फटाफट से। पहला प्रॉफिट कौन सा है जिसको हम देखना चाहते हैं? ईबीआईटी। और दूसरा प्रॉफिट आपके पास क्या है? अर्निंग पर शेयर। ये दोनों चीजें मैं ऑलरेडी आपको अभी समझा चुका हूं। ईबीआईटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सेल में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस क्या कर दोगे? फिक्स कॉस्ट। और आपके पास क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। तो सेल के बढ़ने से या घटने से पहला इंपैक्ट किस पे पड़ता है? ईबीआईटी पे। जब ईबीआईटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ईबीआईटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर पे भी फर्क पड़ेगा। तो सेल का इंपैक्ट प्रॉफिट पे देखना चाहते हैं। प्रॉफिट दो तरीके से होता है। एक प्रॉफिट जो हमने बिजनेस एक्टिविटी से अर्न किया उस पर कितना इंपैक्ट पड़ा, और दूसरा जो प्रॉफिट हम इक्विटी शोल्डर के लिए कमा रहे हैं जिसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर, उस पर कितना इंपैक्ट पड़ा। तो सेल का इंपैक्ट प्रॉफिट पे कितना पड़ा उसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए, मतलब डिटेल स्टडी करनी है, इसलिए टर्म यूज किया है मैग्नीफाइज। मैग्नीफाइज का मतलब क्या है? कोई चीज जो दिखाई नहीं दे रही, दूरबीन यूज करते हैं, दूर की चीज क्या करते हैं? पास में आराम से दिखाई देती है, मैग्नीफाई कर रहे हैं ना, मैग्नीफाई ग्लास लगे होते हैं उसमें। तो मैग्नीफाई का मतलब क्या? जो चीज थोड़ा सा इंपैक्ट दिखता है हम उसको क्या करना चाहते हैं? आपको डिटेल में समझाना चाहते हैं कि यदि मैं सेल सिर्फ 2% बढ़ाऊं, 5% बढ़ाऊं, 10% बढ़ाऊं, तो क्या मेरा प्रॉफिट भी 5-10% ही बढ़ेगा? प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एग्जाम में यदि बच्चे ने लीवरेज टेक्निक यूज किए पढ़ने में, तो उसे कम एफर्ट्स लगा के रिजल्ट क्या मिलेगा? ज्यादा। भाई आप सबसे पहले जब एग्जाम में जा रहे हैं तो पास्ट ईयर के सजेस्टेड पे फोकस करो। पूरा एक दिन का समय किस पे लगाओ? सजेस्टेड पे। सजेस्टेड का मतलब क्या? जो पुराने पेपर आ चुके हैं उनका पैटर्न समझो। इंस्टीट्यूट ने कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी कर रखा है, कौन सा ऑप्शनल है, क्या चॉइसेस मेरे को मिलेगी। बच्चा पढ़ के नहीं जाता, उसको सीधा पेपर में चला जाता है। जब पेपर उसके सामने आता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि भाई 5 में से 4 क्वेश्चन करने थे या 5ों ही करने थे, या 8 में से 5 करने या 4 करने, 3 करने, कितने करने। यदि वो सारी चीज़ें समझ के जाएगा तो उसकी स्ट्रैटेजी एग्जाम में जैसे वो एंटर करेगा उसको पता है पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में कौन सा करना है, जिसमें समय कम लगना है, मार्क्स ज़्यादा मिलने हैं। यदि मैं वो टेक्निक यूज़ करके जा रहा हूँ जैसे कि ई फैक्टर टेक्निक कहते हैं, तो मेरे को समय क्या लगेगा? कम। और मार्क्स क्या आएंगे? ज़्यादा। बट उसने पेपर को स्टडी नहीं किया, उसने स्टार्ट कर दिया उस क्वेश्चन से जिसमें मार्क्स उसको कम मिल रहे हैं और समय क्या लग रहा है? ज़्यादा। 1-1.5 घंटे बाद उसको समझ में आता है कि यार अभी तक तो मेरा सिर्फ 25 नंबर का ही पेपर हुआ, 2 घंटे निकल गए, पेपर कितना हुआ? 25 नंबर का। कितना रह गया? 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। टाइम कितना बाकी है सर? 1 घंटे का। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिना स्ट्रेटेजी पेपर शुरू कर देते हैं। अब लास्ट के 1 घंटे में क्या होगा? पेपर हो जाएगा पूरा उसका 75 नंबर का, 40-45 नंबर का कर पाता है, और जब बाहर निकलता है तो अफसोस मनाता है, यार आता हुआ पेपर छोड़ गया। यदि उसने समझदारी से काम लिया होता कि जो क्वेश्चन उसको लगता है 100% मुझे आते हैं, पहले वो करो। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर 2 क्वेश्चन आते हैं ए और बी पार्ट में, ए आता था बी नहीं आता था, ए तो करो, बी की जगह छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वो बी के चक्कर में जो तुम्हें बाकी के पार्ट आते रहे आगे के, वो तो आपने ट्राई नहीं किए, और पेपर आपका क्या होगा? इनकम्प्लीट रह जाएगा, पूरा नहीं होगा, और उससे मार्क्स क्या हो जाएंगे? कम।
तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी क्या करनी पड़ेगी एग्जाम में, इस तरीके से बनानी पड़ेगी, जो आता है पहले वो करो, जो नहीं आता उसकी जगह छोड़ दो। जब सारे क्वेश्चन आते हुए आपने कर लिए और आपके 60 नंबर का पेपर हो गया, तो अब आप बाकी पेपर जो बचा हुआ 40 नंबर है उस पर फोकस करो ना। उससे फायदा क्या होगा, एक तो माइंड पे प्रेशर क्या रहेगा कम, अब आपको सिर्फ उन क्वेश्चन पे दिमाग लगाना है जिन क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। और जो क्वेश्चन आपको आते थे 60 नंबर के ढंग से पूरे बिल्कुल सही थे, वो तो पेपर आपका सही हो गया, पास तो आप वही सही हो गए। 60 में से जब 60 का बिल्कुल ठीक किया है तो 50 से 55 तो आने आने, ये तो कन्फर्म है। अब आप जो एक्स्ट्रा नंबर लाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको अपनी टेक्निक क्या करनी पड़ेगी देखनी पड़ेगी एग्जाम में जाने से पहले, कि पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है, कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, किस चैप्टर में से बार बार आ रहे हैं, उन पे फोकस क्या करो ज़्यादा, उन पे मेहनत ज़्यादा करो। जो चैप्टर 5-10 अटेम्प्ट में से एक ही बार आता है करके वो भी जाओ, लेकिन उस पर टाइम क्या लगाओ कम, दूसरे चैप्टर्स पर टाइम क्या लगाओ ज़्यादा। अब आपको पता है कॉस्टिंग के पेपर में मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट मेन है, तो इन पे मेहनत क्या करो ज़्यादा करो। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कभी कभी आता है, उस पर तो लगा दिया आपने 5 घंटे, मार्जिनल कॉस्टिंग के रिविजन में 1 घंटे लगाया या 2 घंटे लगाया, आपने कहा ये तो ग्रुप 1 में पढ़ रखा है मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस समझो। तो ये मत सोचो कि ग्रुप 1 में पढ़ा था, ग्रुप 2 में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 में भी तो मार्क्स मिलेंगे, तो 2 में भी तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो सीरियस ही नहीं होते, वो कहते यार सब पढ़ रखा है, वो धीरे धीरे क्या होता है जब आपकी आदत बन जाती है यार ये तो मेरे को सब कुछ आता है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूले याद नहीं आते, क्योंकि टाइम गैप हो जाता है ना। और टाइम गैप का नतीजा क्या हुआ, समय क्या लग रहा है आपको ज़्यादा लग रहा है। वही चीज़ यदि आपने पहले पढ़ रखी होती रेगुलर बेसिस पे तो समय क्या लगता कम, और फटाफट से क्वेश्चन देख के आपको याद आ जाएगा ये तो क्वेश्चन ऐसे करना था, ऐसे शुरू करना है, ऐसे वर्क नोट बनेंगे, ऐसे खत्म करना है। कॉस्टिंग के अंदर दिक्कत क्या आएगी मेन, शुरू कैसे करना है खत्म कैसे करना है। FM के अंदर आपको क्या ध्यान रखना होता है कि क्या पूछा है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है। यहाँ पे फॉर्मूले बहुत होते हैं, हर चैप्टर में 5-10 फॉर्मूले तो होते ही हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के ये पता लगाना है क्या पूछा है, पहला पॉइंट क्या है, क्या पूछा और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है। ठीक है जी, चलिए। तो लीवरेज का मतलब क्लियर हुआ, किसी चीज का इंपैक्ट दूसरे पर कितना हुआ उसको डिटेल में देखना। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं लीवरेज में, इम्पैक्ट ऑफ सेल्स ऑन प्रॉफिट। जैसे मैंने आपके लिए अभी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें मैंने कहा था भी सेल का इम्पैक्ट किस पे पड़ सकता है, प्रॉफिट पे, कौन से प्रॉफिट पे। तो पहले मैं सेल का इम्पैक्ट किस पे देख रहा हूँ, EBIT। दूसरा मैं EBIT का इम्पैक्ट किस पे देखना चाहता हूँ, अर्निंग पर शेयर पे। और तीसरा मैं सेल का इम्पैक्ट डायरेक्टली किस पे देखना चाहता हूँ, अर्निंग पर शेयर पे। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना है किसका इम्पैक्ट किस पे देखना चाहते हैं। तो सेल का इम्पैक्ट यदि आपको EBIT पे देखना है, या EBIT का इम्पैक्ट EPS पे देखना है, या EPS सेल का इम्पैक्ट डायरेक्टली EPS पे देखना है, तो आपको कौन से लीवरेज की मदद लेनी पड़ेगी। तो सेल का इम्पैक्ट EBIT पे कितना पड़ा उसे कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं, जो नाम यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या रख दिया, ऑपरेटिंग लीवरेज। दूसरे का नाम क्या है, फाइनेंशियल। सबके नाम कैसे पड़े ये सब मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, सेल का इम्पैक्ट EBIT पे कितना पड़ा उसे जानने के लिए जो टर्म यूज कर रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग लीवरेज। और ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का कोई ना कोई क्या होगा फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जैसे अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया था जिसमें सेल हमारी 10% बढ़ी थी और हमारा EBIT 40% बढ़ा था,
तो ऊपर मैंने 40% लिखा था, नीचे 10% लिखा था, और आंसर कितना लिखा था? 4 टाइम। तो इसका ना लीवरेज के जो आंसर्स होते हैं वो किस में निकलते हैं? टाइम्स में निकलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है और न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास है फाइनेंशियल लीवरेज। इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप एक काम कर सकते हैं, यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 2 मिनट के लिए लिखना नहीं, यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये फॉर्मूला बनता है? हाँ या ना बोलना आपको? मुझे लगता है शायद बन गया, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से क्या होगा? कैंसिल। कब कैंसिल होगा? जब मैं प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि कंबाइंड लीवरेज निकालना है तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव और आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव का नाम क्या लिखेंगे हम? ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाई फाइनेंशियल लीवरेज। तो नॉर्मली जब हम थर्ड आंसर निकालते हैं कंबाइंड लीवरेज, तो पहले 2 लीवरेज यदि निकाल चुके हैं तो उन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो आपको यार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज नहीं निकाला, आप डायरेक्टली कंबाइंड लीवरेज निकालना चाहते हैं, तो फिर पहला वाला फॉर्मूला यूज करो। मतलब हमें वो फॉर्मूला यूज करना है एग्जाम में जिसमें समय क्या लगे? कम लगे और हमें आंसर मिल जाए। तो कोई भी बिजनेसमैन ये जानना चाहते हैं थोड़े से एफर्ट्स लगाकर हमने कितना ज्यादा रिजल्ट अर्न किया, कमाया प्रॉफिट। एफर्ट्स हमेशा क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा लोग पूरे दिन से लेकर रात तक पढ़ते रहते हैं लाइब्रेरी में। कई बच्चे लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, वहां सुबह 7 बजे लाइब्रेरी खुलती है, 7 बजे आके बैठ जाते हैं, रात को 9 बजे बंद होती है, 9 बजे तक पढ़ते रहते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, पास नहीं हो पा रहे। ऐसा क्यों? मेहनत तो उन्होंने इतनी की, 7 से 9 में 14 घंटे हो गए, 7 से 7 12 + 2 14 घंटे। फिर वो बच्चा पास क्यों नहीं हो पाया? मेहनत तो उसने इतनी कर दी। और एक बच्चा से 2-3 घंटे रोज पढ़ता है, जॉब भी कर रहा है, 2-3 घंटे पढ़ता है और फिर भी अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा बढ़िया निकला? जॉब भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहे, रोज के 2-3 घंटे पढ़ता है और उसके बाद भी एग्जाम में पास हो गया। तो लेस एफर्ट्स किसने लगाए? सेकंड पर्सन ने। टाइम भी 2-3 घंटे रोज का रिपोर्ट किया और पास भी हो गया। और जो बंदा रोज के 14 घंटे लगा रहा है, 6 के 6 महीने लगा रहा है, फिर भी पास नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? वो क्या करता है? प्रैक्टिस नहीं करता, सिर्फ रजिस्टर भरे जा रहे। कैसे प्रैक्टिस कर रहे? सामने सॉल्यूशन है, देख देख के लिख लेते हैं। कई बच्चे 4-5 कलर के मार्कर ले लेते हैं, हाईलाइटर, बुक मिली, पहली लाइन ग्रीन कलर की, दूसरी लाइन ऑरेंज कलर की, तीसरी लाइन पिंक कलर की, उसे वो लाइन का कलर ही चेंज करता रहता है। लाइन के अंदर क्या लिखा है पता ही नहीं। घर वाले जाके देखते रजिस्टर खोल के, अरे बच्चे ने तो आज पूरा रजिस्टर भर दिया, पूरी बुक उसने कलरफुल कर दी। इसका मतलब बच्चा पढ़ के आया? वो पढ़ के थोड़ी आया, पेंटिंग करके आया, वो तो कलरिंग करके आया। ऐसे बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में देखते हैं मुझे, जब मैं अपने टाइम पर पढ़ता था वो कलर ही करते रहते थे। मैंने कहा तूने लाइन पढ़ ली? कह रहा वो तो पढ़ लेंगे, पहले ये तो देख लूँ क्या पढ़ना है। तो मैंने कहा तूने सारी लाइनें तो कलर कर दी, पढ़ी कौन सी लाइन फिर? बात समझो। तो उसने टाइम तो वेस्ट किया लेकिन कहाँ पे? से कलर करने में। उसका रिजल्ट क्या हुआ? एग्जाम में सिर्फ उसको कलर तो याद आएंगे कौन कौन से कलर मैंने यूज किए थे, लेकिन उसको ये थोड़ी पता उस कलर के नीचे जो लिखा था वो क्या लिखा था। और जिसने 2-3 घंटे पढ़ा उसने कलर वलर कुछ नहीं किया, जब उसने पढ़ा कि क्या लिखा है, जो पढ़ेगा वही तो एग्जाम में लिख के आएगा। बात समझ में। तो लीवरेज टेक्निक क्या कहता है? कम मेहनत करो, रिजल्ट क्या लाओ? ज़्यादा। और कैसे लाएं उसे सीखना है इस चैप्टर में। तो आप भी अपनी स्ट्रेटेजी क्या करो, ऐसे करो। कई बच्चे कहते हैं सर आपने कलर नोट्स नहीं दिए इसलिए मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। फॉर एग्जांपल, तो मैंने कलर नोट्स बना दिए, मैंने कब नंबर डबल आएंगे? अरे पढ़ना तो भैया तुम्हें ही पड़ेगा। पेपर जो एग्जाम में आएगा वो क्या कलर आएगा? पेपर तो कौन सा आता है?
ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन पेपर आएगा, आपका इंटरेस्ट तो वैसे ही नहीं आएगा क्वेश्चन पढ़ने में, तब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो पढ़ोगे कैसे। तो इंस्टीट्यूट को आपको मेल करनी चाहिए कि भैया कलर पेपर बनाओ, तो इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, हम तो पेपर नहीं देंगे, और देंगे भी तो पास नहीं होंगे। बात समझो, बेकार की बातें होती है बच्चों की, ठीक है ना भैया। इतना ही कलर चाहिए तो भैया जब रोटी खाते हो उसमें भी दो तीन कलर मिला दो, पानी पी रहे हो उसमें भी कलर मिला दो। कहने का मतलब क्या, जहां रिक्वायर्ड है वहां की कलर की रिक्वायरमेंट है ना, जहां जरूरत ही नहीं है वहां क्यों दिमाग लगा रहे हो अपना। क्वेश्चन जिस फॉर्म में आता है क्वेश्चन को समझो, अब वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है या कलर में लिखा है इससे क्या लेना देना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स क्या लगाना है क्वेश्चन को समझने में। अब जो बंदा 14 घंटा पढ़ रहा वो भी पास नहीं हो रहा, और 2.5-3 घंटे वाला पास भी हो गया, तो उसकी टेक्निक क्या थी, मुझे पढ़ के पास होना है, और उसकी टेक्निक क्या थी, सिर्फ रजिस्टर भरना है और बुक को क्या करना है, कलर करना है। तो आपकी कौन सी टेक्निक है दोनों में से, आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। है कोई ऐसा बच्चा जो भाई कलर ही करता रहता है पूरे दिन, होंगे बहुत सारे बच्चे, बताएगा कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए तो आज का सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 1, 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, काफी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपकी। सबसे पहले हमारे पास में एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट दे रखी है। एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट का मतलब, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी कंपनी का तो कोई ना कोई तो डाटा हमारे पास होगा, तो वो डाटा को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग, ठीक है ना। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं एग्जिस्टिंग का। तो आपके पास मान लीजिए दे रखी है सेल, सेल में से क्या माइनस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट, आपको क्या मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट, आपके पास क्या आएगा EBIT। मान लो आपके पास है सेल 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6 लाख रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 4 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी है 3 लाख, और आपका EBIT कितना है 1 लाख, ठीक है जी। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%। ये कहते हैं यदि आपकी सेल 10% इंक्रीज हो रहा है तो बताइए आपका ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा, मतलब सेल में फ्लक्चुएशन कितना है, बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है, फ्लक्चुएशन कितना है 10%। अच्छा, जब सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने कहा मेरी सेल 10% बढ़ेगी तो रिवाइज्ड प्रॉफिट कितना आएगा, रिवाइज्ड का मतलब बदली हुई चीजें कितनी आएगी, यानी चेंज कितना है। पहले हम ले रहे परसेंटेज चेंज, चलो पहले चेंज लिख लेते हैं, बाद में परसेंटेज चेंज लिख लेते हैं। हम अपनी सेल को कितना बढ़ाना चाहते हैं, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 10 लाख का 10% कितना हुआ 1 लाख, तो आपकी रिवाइज सेल कितनी हो गई 11 लाख। तो समझ के बोला करो भाई, आपकी सेल 10% बढ़ी है तो चेंज कितना है, चेंज का मतलब बदलाव कितना है, 10 लाख का 10% 1 लाख। रिवाइज सेल का मतलब पहले तो 10 लाख की थी ना सेल, अब 1 लाख की सेल बढ़ गई तो कितनी हो गई 11 लाख, लिखना बाद में पहले समझ लो। दूसरा, 6 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है 10 लाख पे, कितने परसेंट 60%। तो जब आपकी सेल बढ़ेगी तो क्वांटिटी ज्यादा बनेगी, ज्यादा बनेगी तो बनाना ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा बनाने पे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी बढ़ेगी। तो 11 लाख का 60%, 11 लाख का 60%, 6 लाख 60 हजार, तो कंट्रीब्यूशन कितना देगा 4 लाख 40 हजार, मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ी 60 हजार बढ़ी। अब फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी क्या, फिक्स कॉस्ट तो क्या रहेगी कॉन्स्टेंट ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो पहले भी 3 लाख थी, अब भी क्या रहेगी 3 लाख। आज की क्लास में 3 स्टूडेंट और बढ़ गए तो मकान वाले को फोन करके बोलूंगा जी 3 स्टूडेंट बढ़ गए, फिक्स कॉस्ट बढ़ा लो, अपनी रेंट बढ़ा लो, बोलूंगा नहीं। बच्चे बढ़ भी सकते, बच्चे घट भी सकते, तो इस रूम का रेंट तो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना है 1 लाख 40 हजार, मतलब 1 लाख से 1 लाख 40 हजार हो गया, प्रॉफिट कितना बढ़ा
40,000 रुपये प्रॉफिट क्यों बढ़ा? क्योंकि मेरे फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसे में 40,000 रुपये 1,00,000 का, 40,000 रुपये 1,00,000 का कितने परसेंट है? ये 40,000 रुपये इस 1,00,000 का कितने परसेंट है? 40% है। इसका मतलब यदि मैं अपनी सेल को 10% बढ़ाता हूँ तो मेरा EBIT 1,00,000 से कितना हो जाएगा? 1,40,000, जो 40,000 रुपये बढ़ेगा मतलब 40% बढ़ेगा। तो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा? ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यदि मैं अपनी सेल्स को 10% बढ़ाता हूं तो मैं अपने प्रॉफिट को कितना बढ़ा दूंगा? 4 times बढ़ा दूंगा, ठीक है रे? तो जब हमने एफर्ट लगाया 10% और उसको मैग्नीफाई किया, उसको देखा डिटेल में, किया उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो दिखाई क्या दिया कि हमारा प्रॉफिट 40% बढ़ गया। तो हर बिजनेस क्या चाहता है? थोड़ा सा एफर्ट्स लगे और रिजल्ट क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल का मतलब सिर्फ 3 फॉर्मूले, उन्हीं का इस्तेमाल करके जो चीज मिसिंग होगी क्वेश्चन में वो आपको ढूंढकर निकालनी है। सेकंड पॉइंट, यूजिंग ऑपरेटिंग लीवरेज। किसको यूज करना है? ऑपरेटिंग लीवरेज को। फाइंड परसेंटेज चेंज इन आप ऐसा कह सकते हैं, फाइंड न्यू EBIT इफ सेल्स इंक्रीज बाई 10 की जगह लिख देते हैं 15%, 10% तो हम कर ही चुके हैं। यदि मेरी सेल 15% बढ़े तो मैं जानना चाहता हूं मेरा नया EBIT कितना होगा। क्या ढूंढना चाहता हूं? सेल यदि 15% बढ़े तो मेरा नया EBIT कितना होगा। नया EBIT का मतलब जो रिवाइज EBIT आएगा वो कितना होगा, ऐसा ढूंढना है। तो अभी जो आपको रिवाइज EBIT दिखाई दे रहा है वो तो कब दिखाई दे रहा है? जब आपकी सेल 10% बढ़ी थी। अब मैं 10% की जगह कितना लेना चाहता हूँ? 10 की जगह कितना लेना चाहता हूँ? और यहाँ पे आंसर तो चेंज हो जाएगा ना। ये आंसर किसका है? 10% का। मैं किसका देखना चाहता हूँ? 15% का। तो 15% का आंसर कितना होगा वो आपको ढूंढकर बताना है। किसकी मदद से? ऑपरेटिंग लीवरेज की मदद से। तो यहां पे मेरे पे 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि मैं दोबारा से इनकम स्टेटमेंट बनाऊं और वहां मैं अपनी सेल कितनी बढ़ा के दिखाऊं? 15%। कितनी परसेंट बढ़ा के दिखाऊं? 15%। तो यहां पे मेरी सेल कितनी हो जाएगी? 10,00,000 का 15% 1,50,000, और मेरी रिवाइज सेल कितनी हो जाएगी? 11,50,000। फिर 11,50,000 का 60% वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और उसमें से 3,00,000 के फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा, मेरे पास क्या जाएगा? रिवाइज्ड EBIT आ जाएगा, नया EBIT आ जाएगा जो 15% सेल इंक्रीज होने के बाद है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, मुझे क्वेश्चन में क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज का यूज करके आंसर दीजिए। अब यदि ऑपरेटिंग लीवरेज का यूज करके आंसर देना है तो कैसे दूंगा? आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला भी आपने क्या लिखा था? परसेंटेज चेंज इन अब ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, निकालने निकाल चुके हैं। कितना निकाला था आपने? आंसर निकाला था 4 times। तो आपने यहां पे लिखा 4। हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन EBIT आपको नहीं पता, लेकिन सेल अब आपकी कितनी बढ़ गई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन EBIT आ जाएगा कितना? 4 × 15%। इसका मतलब यदि मैं अपनी सेल को 15% बढ़ाऊंगा तो मैं अपना EBIT कितना बढ़ाऊंगा? 60%। तो ऐसे में रिवाइज EBIT कितना आएगा? रिवाइज का मतलब न्यू EBIT, न्यू
ईबीआईटी बराबर होगा एग्जिस्टिंग ईबीआईटी के, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। अच्छा, सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ने के लिए साइन कौन सा लगेगा? प्लस। अच्छा, यदि सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा? तो साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। रटना नहीं है, समझना है। जब सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, जब सेल घटती है तो प्रॉफिट भी घटता है। तो बढ़ने के केस में प्लस का साइन, घटने के केस में माइनस। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो आपका ईबीआईटी पहले कितना था? 40,000 पे, 40,000 था। कितना था? 1,00,000 था, तो 1,00,000 लिख दो। हाँ जी, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी था 1,00,000, 60% बढ़ा दो इसमें, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1,60,000। आंसर को यदि हम वेरीफाई करके देखना चाहते हैं कि क्या ये बात सही है, तो आपकी पहले सेल कितनी थी? 10,00,000। पहले सेल कितनी थी? 10,00,000। 10,00,000 में कितने परसेंट सेल बढ़ी थी? 15%। तो आपकी सेल कितनी हो गई थी? 11,50,000। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60% ऑफ 11,50,000। कितना लिखूं? 1,00,000। सही नहीं बोलोगे? हम बताओ कितने? 7,00,000, 6,90,000। तो 11,00,000 का तो हो गया 6,60,000, और 50,000 का हो गया 60%, 30,000। तो 6,60+30, 6,90। कितना लिखूं? 4,60,000। अब 4,60,000 पे मेरा कंट्रीब्यूशन है, और इसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट क्या कर दी? 3,00,000 माइनस कर दी। तो मेरा ईबीआईटी, जिसको मैं बोलूंगा न्यू ईबीआईटी, आपने आंसर भी कितना निकाला? वेरीफाई हो गया। तो ये जो तरीका है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है ना? और दूसरा कौन सा है? मॉडर्न अप्रोच, जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट बराबर, मतलब बार बार बना के देखने की जरूरत नहीं है। अब यदि मुझसे कोई पूछे, आपकी सेल 20% बढ़ी, सेल 20% बढ़ी, ओरली आंसर निकालना है। तो यदि सेल 20% बढ़ेगी तो 4 गुना कितना हुआ? 80%। ईबीआईटी कितना बढ़ेगा? 80%। पहले ईबीआईटी कितना था? 1,00,000। 80% 80,000। नया ईबीआईटी 1,80,000। ओरली हो गया ना? तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो छोटा सा आंसर था, क्योंकि सेल और ईबीआईटी के बीच में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो ट्रेडिशनल से भी जल्दी आंसर निकल जाएगा और न्यू टेक्निक से भी जल्दी। ज्यादा फायदा कहाँ होगा? ज्यादा फायदा कहाँ होगा? फाइनेंशियल लिवरेज में या कंबाइंड लिवरेज में, जहां पे सेल से डायरेक्टली किस पे पहुंच सकते हो? ईपीएस पे। अब सेल से ईपीएस के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें समय क्या लगता है? ज्यादा। और यदि मैं सेल से डायरेक्टली ईपीएस पे पहुंच जाऊंगा कंबाइंड लिवरेज की मदद से, तो टाइम क्या लगेगा? कम। भाई, मुझे तो आंसर चाहिए सही, कैसे भी निकालूं। ठीक है ना भाई? दोबारा से रिपीट करना कुछ इसमें, नोट कर लीजिए फटाफट से। सिर्फ फॉर्मूलों को समझना है और कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझना है। फॉर्मूले कैसे बने वो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। किसका इम्पैक्ट किस पे देखना है? सेल का इम्पैक्ट, ईबीआईटी। तो जिसका इम्पैक्ट देखना है वो सेल है, किस पे देखना है? ईबीआईटी। तो डिनोमीटर बनता बेस का मेरा सेल, इसलिए डिनोमीटर में सेल को रखा, और क्या देखना है? ईबीआईटी पे कितना फर्क पड़ा, उसको न्यूमरेटर में रखा। अब क्वेश्चन ये बनता है, नोट कर लिया सबने यहां तक? करना है किसी ने? तो बेसिकली लीवरेज का मतलब तो पता लग गया ना, लेस एफर्ट्स हाई रिटर्न। कम मेहनत करके हम ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, उस टेक्निक के लिए हमने नाम क्या रख दिया? लीवरेज। तो आप भी अपनी लाइफ में कौन सी टेक्निक यूज करें? लीवरेज। ऐसा नहीं कि कम पढ़ के जाएं, मैंने कम पढ़ने के लिए कभी नहीं बोला। अच्छे सोचते हैं सर ने कहा कि कम पढ़ो ज्यादा नंबर लाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। पढ़ के कम जाएंगे तो ज्यादा नंबर कैसे? पढ़ो सबको, लेकिन उसमें टाइम क्या लगाओ? कम। अब एक चैप्टर यदि 2 घंटे 3 घंटे चाहिए और आप उसमें 20-25 घंटे लगा रहे, तो बाकी चैप्टर छूट जाएंगे ना। टाइम तो सबके पास लिमिटेड ही है।
तो पढ़ने से पहले पहले ही डिसाइड कर लो यार किसके नोट से पढ़ना है किसके नोट से नहीं पढ़ना। सबके नोट पढ़कर कोई फायदा नहीं है, सब में सेम ही लिखा होता है, ठीक है ना। फिर बच्चे को जब किसी के नोट समझ नहीं आते वो गूगल खोल के बैठ जाते, वहां तो फिर पागल हो जाता है, देखता कुछ है मिलता उसको आंसर कुछ और है, क्योंकि वहां तो इतनी सारी चीजें मिल जाती है कि जैसे उसने दूसरे लिंक पे क्लिक किया जिस पे था उस टॉपिक से वो बाहर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल नंबर टू। मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखी है, नेट सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखी है आपको, यानी 10 लाख की सेल्स गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपके पास है 50%, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 4 लाख रुपए, ठीक है जी। क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं, प्रिपेयर पहला पॉइंट इनकम स्टेटमेंट, हाँ जी। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, हाँ जी। तीसरा पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं फाइंड न्यू ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20%, यदि हम अपनी सेल्स को 20% बढ़ाएं तो हमारा नया ईबीआईटी कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है, नोट कर लीजिए फटाफट से। यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट बनानी चाहिए। अब देखिए इनकम स्टेटमेंट आपकी शुरू होती है इस चैप्टर में सेल से और खत्म होती है ईपीएस पे, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ईपीएस तक की तो है ही नहीं, तो जहां तक की जानकारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको वहां तक की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट क्या था, स्टार्टिंग सेल से थी और खत्म किस पे था, ईपीएस। तो बच्चा सोचा कि सर इसमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, मैं भी वही सोच रहा हूँ, तो जहां तक की इंफॉर्मेशन दे रखी है वहां तक का आंसर निकाल के दिखाएंगे। चलिए बताओ भाई कितना लिखो, सेल 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50%, किसका 10 लाख का, कितना लिखो, तो कंट्रीब्यूशन 5 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है, तो ईबीआईटी 1 लाख, पहला आंसर आपका हो गया, ठीक है जी, एक नंबर मिल गया आपको, ठीक है जी। अब जो दूसरा पार्ट है वो मान लीजिए 3 नंबर का, क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया वो तो क्या है, परसेंटेज चेंज, चेंज के लिए डेल्टा वर्ड यूज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब इसके लिए मुझे 2% चाहिए होगी, एक ईबीआईटी में कितना परसेंट है और एक सेल में कितना है, तो क्या वो दोनों परसेंटेज हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं। हाँ परसेंटेज दे तो रखी है 20%, लेकिन वो कब है, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के बाद, इसका मतलब इसका यूज ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के बाद करना है ना कि पहले। तो अब आप बताइए क्या करूं, एक तरीका तो यह है कि मैं यहां पर एक रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बनाऊं अपनी एजम्पशन लेके कि मेरी सेल 10% बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 10%, 15%, 18%, 25%, कोई भी परसेंटेज आप अपने मन में ले सकते हैं। तो यदि मैं अपनी सेल को 10% बढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को ईबीआईटी पे कितना फर्क पड़ा हो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 1% निकाली थी वैसे ही निकालूंगा, और यहां पे लिखकर फिर क्या निकालूंगा, ऑपरेटिंग लीवरेज। समय क्या लगेगा, ज्यादा,
कोई नया तरीका ढूंढो कि यदि क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीजें आप नहीं निकाल पा रहे और आपको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, तो कोई नया फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे में एक नया फॉर्मूला बना, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। जो आंसर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, जो आंसर ऑपरेटिंग लिवरेज का इस फॉर्मूले से निकालोगे, वही आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। बट कंडीशन ये है, इसके लिए आपको एग्जिस्टिंग डेटा यूज करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग का मतलब जो इनकम स्टेटमेंट आपने अभी बनाई है वो आपके लिए कौन सी होगी, एग्जिस्टिंग ओरिजिनल डाटा जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बिना कोई घटाए बिना कोई बढ़ाए। तो अब आप यदि कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो कितने, 5 लाख, और ईबीआईटी कितने, तो 5 लाख को 1 लाख से डिवाइड करो, 5 लाख को 1 लाख से डिवाइड करो, कितना लिखूं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 टाइम। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे का सभी के दिमाग में चल रहा होगा, क्या ये जो फॉर्मूला सर ने लिखा है वो सही है, तो चिंता ना करें, मैं इसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। स्टार्टिंग पॉइंट यहां से होगा और ये फॉर्मूले का डेरिवेशन जब हम खत्म करेंगे तो वो खत्म किस पे होगा, इस फॉर्मूले पे, ठीक है ना। तो यदि मैं इस पॉइंट से शुरू करूं और इस पॉइंट पे खत्म करूं, तब तो यकीन करोगे कि दोनों से आंसर क्या आते, सेम आते। तो पहला पॉइंट है, एग्जाम में वैसे कोई डेरिवेशन आपसे पूछता नहीं है, फिर भी मैं आपके मन के लिए करा दूंगा, ठीक है ना। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले को जब हम लास्ट तक सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद वो फॉर्मूला कहां पे जाके खत्म होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी पे। तो जो आंसर ओरिजिनल फॉर्मूले से आएगा वही आंसर उसके डेरिवेशन से भी आएगा। ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, सुना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो बच्चे 7th-8th क्लास में होते हैं उनके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए डायग्राम बनवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे डेरिवेशन थोड़ी करना है एग्जाम में, जब कोई क्वेश्चन आता है ऐसा, आप क्या करते हो, ये फॉर्मूला होता है और सीधा इस फॉर्मूले को इसके इक्वल यूज करके अपना आंसर निकाल देते हैं, ठीक है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है और उस ओरिजिनल फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईडी। जैसे ही ए प्लस बी होल स्क्वायर को जब सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जाके काम पे खत्म होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे। अब क्वेश्चन ये है कि आंसर तो निकल गया मेरा, अब ये बात जा मैं पिछले एग्जाम्पल में चलता हूँ 2 मिनट के लिए। पिछले एग्जाम्पल में हमने ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला था, कितना निकाला था, 4 टाइम्स। कैसे निकाला था, जब हमने एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में अपनी सेल को 10% क्या किया था, बढ़ाकर देखा था। तो हमने कहा यदि हम अपनी सेल को 10% बढ़ाकर देखेंगे तो हमने देखा था हमारा रिवाइज ईबीआईटी 1 लाख से कितना हो गया, 1,40,000। 40,000 रुपये बढ़ा, वो 40,000 रुपये कितने परसेंट था, 40%। 40% बढ़ा कब, जब सेल 10% बढ़ी। तो हमने कहा सेल का 10% इंपैक्ट ईबीआईटी पे कितने परसेंट का इंपैक्ट आता है, 40% का, मतलब कि 4 गुना का। अब इसी आंसर को निकालने के लिए मेरे पास में शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, इस रिवाइज इंफॉर्मेशन को मैं यूज ही नहीं करना चाहता, मैं यूज ही नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 लाख को किससे डिवाइड करके देख लो, 1 लाख से करके देख लो। तो आपने डिवाइड करके देखा, मैच करके नहीं करके आंसर, हमेशा करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्मूला है और ओरिजिनल फॉर्मूले को जब लास्ट तक सॉल्व करते हैं, जिसको कहते हैं डेरिवेशन करना, वो कहां पे जाके खत्म होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसलिए दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है जी। हमें चाहिए आंसर एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। तो मैंने देखा मुझे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने कहा यह फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल नहीं है, नहीं है तो नहीं है। सुटेबल कौन सा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो उससे अपना आंसर निकाल दिया। बस समझ में आ रही है भाई, हमें तो सही टाइम पर सही फॉर्मूला चाहिए, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखे उसके हिसाब से। अब तीसरा आंसर,
तीसरा आंसर कैसे निकालेंगे? हमें नया EBIT निकालना है यदि हमारी सेल कितने परसेंट बढ़े? 20%। तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन EBIT, हमारा EBIT कितना इंक्रीज होगा? ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी 5 × 20% इक्वल टू 100%। तो न्यू EBIT कितना आ जाएगा आपका? पुराना EBIT, हाँ जी, एग्जिस्टिंग EBIT प्लस परसेंटेज चेंज इन EBIT। आपने कहा सर पहले EBIT कितना था? 1 लाख। कितने परसेंट बढ़ रहे? 100%। तो 1 लाख का 100% कितना होता है? 1 लाख। कितना आ जाएगा? अब जो लोग बच्चे शक की नज़र से मुझे देख रहे हैं, पता नहीं ये आंसर सही है नहीं सही, उनके लिए मैं क्या कहूँगा? वेरीफाई कर लो। वेरीफाई का मतलब क्या है? अपनी सेल को 20% क्या करके देखो, बढ़ा कर देख लो। आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे जगह खाली होगी, यहाँ चेक करके देख लो, ठीक है ना? तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 लाख की जगह 2 लाख। नहीं तो ओरली कर लो, कैलकुलेटर अपने हाथ में देखो, सेल कितनी है? 10 लाख। कितने परसेंट बढ़ानी है? 20%। तो 10 लाख का 20% कितना होगा? 2 लाख। नई सेल कितनी हो गई? 12 लाख। 12 लाख में 50% वेरिएबल कॉस्ट है, 6 लाख। 6 लाख में से 4 लाख फिक्स कॉस्ट है, 2 लाख। आंसर कितने हो गया ना? ठीक है जी। तो ऐसे नहीं कि ये सब एक ही क्वेश्चन में फॉर्मूला फिट बैठेगा, जितने क्वेश्चन है सब में। और ये कोई चमत्कार नहीं है, जब आप किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई तो एंड पॉइंट हो गई ना, कि अब उसके बाद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, वो एंड पॉइंट ये है। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है कि सेल का इंपैक्ट EBIT पे कितना पड़ा वो चेक करना है, और उसको चेक करने का दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा करना है, ये डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है। यदि परसेंटेज वाली इंफॉर्मेशन गिवन है तो परसेंटेज वाला यूज करेंगे, परसेंटेज नहीं दे रखी तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT यूज करेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज तो आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT से निकलवा लिया, जैसे मैंने आपके सामने किया, और इसी फॉर्मूले को द्वारा भी यूज करवा लिया कि भैया आपकी सेल 20% बढ़ रही है तो बताओ आपका EBIT कितना बढ़ेगा। मैंने कहा 100% बढ़ेगा। हनी नोट कर लिया सबने? रिपीट करना कुछ इसमें? चलिए फटाफट चले गए इनकम स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं। हनी नेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी 10 लाख के सेल्स है, 7 लाख वेरिएबल कॉस्ट का है, आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, और आपका EBIT 1 लाख है। हाँ जी, फाइंड क्या करना है? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो आपको क्या लगता है यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, परसेंटेज वाला या शॉर्टकट? शॉर्टकट का अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, दूसरा परसेंटेज चेंज इन, हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन EBIT आपको निकालना है इफ सेल्स इंक्रीज बाय 15%। ठीक है जी, रिवाइज्ड EBIT बताइए इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20%। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, कल को वो कहते थे EBIT मुझे इतना चाहिए, बताइए सेल कितनी होनी चाहिए।
न्यू सेल्स इफ रिवाइज्ड ईबीआईटी एक लाख साठ हजार, एक साठ की जगह एक पचहत्तर करते हैं, ठीक है। कंपनी चाहती है, हम देखना चाहते हैं हमारा ईबीआईटी एक पचहत्तर हो, तो उसके लिए हमारी सेल कितनी होनी चाहिए। दो तरीके की चेकिंग होती है, या तो सेल से हम ईबीआईटी को चेक करते हैं, या फिर हम सोचते हैं यदि इतना ईबीआईटी चाहिए तो उसके लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर रिजल्ट से हम सेल पे जाते हैं, रियल लाइफ में क्या होता है, एक्चुअल में रिजल्ट से किस पे जाते हैं, सेल पे। यदि इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितनी सेल करनी पड़ेगी, ताकि हम सेल डिपार्टमेंट को टारगेट दे सके, भैया पूरे साल में आप इतनी सेल हमें करके दो, ताकि जो प्रॉफिट हमने सोच के रखा हुआ है उतना प्रॉफिट हमें मिल सके। खुद करोगे? करो। हाँ जी, फर्स्ट आंसर निकला किसी का? Yes, तो शुरू करें। हाँ जी, फर्स्ट आंसर में आपसे पूछ रहा हूँ ऑपरेटिंग लीवरेज, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लिखूंगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इक्वल टू। हाँ जी, कितना आंसर बनता है? थ्री टाइम्स, ठीक है जी। इतना दूसरा आपसे क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बताओ यदि सेल आपकी 15% बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब आपने कहा सर ऑपरेटिंग लीवरेज तो 3 निकाला आपने, परसेंटेज चेंज इन हमें EBIT ढूंढना है, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितने है? 15%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे में परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना आ जाएगा, 3 × 15% 45%, ठीक है जी। नेक्स्ट आंसर क्या पूछ रहे हैं आपसे, रिवाइज ईबीआईटी बताइए यदि आपकी सेल 20% बढ़ती है, तो इसका मतलब यहाँ 15 की जगह कितना लेना पड़ेगा, 20%। तो आपको लिखना पड़ेगा न्यू ईबीआईटी या रिवाइज ईबीआईटी। न्यू ईबीआईटी किसके बराबर होता है, एग्जिस्टिंग प्लस परसेंटेज चेंज इन, ठीक है। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना है, 1 लाख रुपए। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी आपके पास क्वेश्चन में कितना है, 1 लाख रुपए, प्लस परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज
मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और यही तो किया आपने। यदि आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना है तो आपने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना। तो ऑपरेटिंग लीवरेज 3 है, परसेंटेज चेंज इन सेल थर्ड पार्ट में कितना है, 20% है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1,00,000 प्लस 60%, 1,60,000 रुपये। बोलो भाई रिपीट करना कुछ इसमें, सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, बस वहाँ पे दिमाग चलाना पड़ता है आपको। अभी आसान इसलिए लग रहा है सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज चल रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड सारी लीवरेज एक साथ होंगे, और करीब 6 नंबर से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अब कौन सा आंसर निकालना है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे कहते हैं न्यू सेल्स बताइए, इस बार आपको सेल्स पता लगानी है किससे। यदि आपका ईबीआईटी कितना है, 1,75,000। अब यदि 1,75,000 आपका ईबीआईटी है तो पहले ईबीआईटी कितना था, अब कितना हो गया, 1,75,000। कितना बड़ा, 75,000। 75,000 कितने परसेंट हुआ, 1,00,000 का 75%। इसका ना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 75% आ गया, उससे क्या ढूंढोगे, परसेंटेज इन सेल्स ढूंढोगे, और 1,00,000 की सेल में वो परसेंटेज क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आपको निकालना क्या है, न्यू सेल्स। उसके लिए एग्जिस्टिंग सेल्स, एग्जिस्टिंग सेल्स में आपको ऐड करना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब एग्जिस्टिंग सेल कितनी है, आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब परसेंटेज चेंज इन सेल्स को ढूंढने के लिए कहां जाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज पे। कैसे, 2 मिनट के लिए समझें। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई, हमें इस समय क्या ढूंढना है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को ऑपरेटिंग लीवरेज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब परसेंटेज चेंज इन सेल्स को ढूंढने के लिए फॉर्मूला तो पता लग गया, उसमें ऑपरेटिंग लीवरेज भी पता लग गया। कितना ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन में, 3 टाइम्स है। अब मुझे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी चाहिए, तो कैसे ढूंढू, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना है, एग्जिस्टिंग कितना है, एक लाख, और रिवाइज कितना है, रिवाइज कितना है, 1,75,000। तो चेंज कितना है, चेंज का मतलब डेल्टा भी लिख सकते हम, और परसेंटेज चेंज निकालना है तो 75,000, 1,00,000 का कितना परसेंट है भाई, हमेशा जो डिनोमिनेटर में आएगा वो तो ओरिजिनल वैल्यू आएगी ना, 1,00,000 से 1,75,000 हो गई ना वैल्यू, वैल्यू 1,00,000 से 1,75,000 हो गई, कितनी बड़ी, 75,000, किससे, 1,00,000 से, मतलब कि 75%। 75% कैसे निकालेंगे, 75,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। अब ये परसेंटेज कितनी आ गई, 75%, तो कितना लिखूं, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी आ गई, 25%। तो यदि मैं अपनी सेल को 25% बढ़ा दूं, यदि मैं अपनी सेल्स को 25% बढ़ा दूं, तो मेरा जो ईबीआईटी है वो कितने परसेंट बढ़ेगा, 75% बढ़ेगा ना। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, 3 गुना है ना, तो यदि सेल 25% बढ़ेगी तो उसका 3 गुना प्रॉफिट बढ़ेगा परसेंटेज में, 75% हो गया ना, 25 का 3 गुना 75%, ठीक है ना। कब एकदम से लेवल हाई हो गया, समझ रहे हो ना, पहले 3 पॉइंट तो सिंपल थे, चौथे पॉइंट में उन्होंने क्या दे दिया, हमें 1,75,000 का ईबीआईटी चाहिए, बताइए उसके लिए हमारी नई सेल वैल्यू क्या होगी, ताकि हम अपने सेल डिपार्टमेंट को टारगेट दे सकें कि पूरे साल में आपको इतने रुपए की सेल करनी है। ऐसा करने से क्या होगा,
जो टारगेट हमने बना रखा है प्रॉफिट कमाने का, वो टारगेट एट द एंड पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज करते हैं आपने 2023 में एक प्लान कर रखा है कि 25 दिसंबर 2023 जब आएगा तो मुझे एक फोन खरीदना है 1000 रुपये वाला, 10000 वाला, 1 लाख वाला, 10 लाख वाला, सबका अलग अलग बजट होगा। आपने बजट बना रखा है 1 लाख का फोन खरीदना है, तो सेविंग तो आज से ही करनी पड़ेगी ना। चाहिए कितने? 1 लाख रुपये। क्या वो एक दिन में मिल जाएंगे 1 लाख रुपये 25 तारीख को दिसंबर की? उसके लिए सेविंग कब से करनी पड़ेगी? आज से। तो रोज हम कितने रुपए की सेविंग करें कि 25 दिसंबर तक हमारे पे इतने पैसे आ जाए? तो प्लानिंग तो आज से करनी पड़ेगी ना, सेविंग तो आज से शुरू करनी पड़ेगी ना। आखिरी दिन 25 तारीख को 100 रुपये बचा के थोड़ी 1 लाख रुपये कमा लोगे। तो ठीक उसी तरीके से हम बिजनेसमैन जितने भी लोग होते हैं, मैन्युफैक्चर जो होते हैं, वो टारगेट देख के रखते हैं कि इतना कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी ताकि हम उतने प्रॉफिट तक पहुँच सकें। तो यदि किसी महीने सेल कम होती है तो फिर हम अपनी सेल टीम पे प्रेशर डालते हैं, ये सेल को क्या करो, बढ़ाओ। हाँ जी, अब बताइए आंसर क्या लिखूं? 10 लाख का 25% कितना हो गया? 2.5 लाख। तो नई सेल कितनी होगी? 12,50,000। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? दोबारा समझाऊं? अच्छा, अपना आंसर चेक कर लो, क्या 12,50,000 पे आपका EBIT 1.75 आएगा नहीं आएगा? 12,50,000 की सेल पे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका पहला काम क्या? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ढूंढ लो। सबसे पहला काम क्या? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ढूंढ लो। तो 7,10,000 का कितने परसेंट हुआ? 7,10,000 का कितने परसेंट हुआ? 70%। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी आ गई? 70%। अब आप यदि कहते हो सर मेरी सेल 12,50,000 है, मेरी सेल कितनी है? न्यू सेल्स कितनी है? 12,50,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 70%। कितना लिखूं? 8,75,000। कितना लिखूं? 3,75,000। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? EBIT कितना आएगा न्यू? 1,75,000। यही सपना था ना अपना कि हमारा नया EBIT कितना? 1,75,000। तो उसके लिए सेल कितने रुपए की करनी पड़ेगी? 12,50,000 की। तो हमने सेल डिपार्टमेंट को टारगेट क्या दे दिया? पिछले साल तक सेल थी 10 लाख, इस साल कितनी करो? 12,50,000 की। वो कहते ऐसा करने से क्या होगा? मैंने कहा पिछली बार का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। तो इस बार कितना हो जाएगा? 1,75,000। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नोट कर लीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि लिख के देखना ही नहीं चाहते, वो सोचते लिखेंगे गलती हो जाएगी, पेपर खराब होगा, टाइम खराब होगा। और जितनी देर नहीं लिख रहे टाइम तो तब भी खराब हो ही रहा ना, तो बेटर ऑप्शन क्या? लिख के देखे टाइम खराब कर लो अपना, उससे क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा, ठीक है ना। वो पेन तो वैसे ही खराब हो गया यदि आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया, तो पैसे तो आपकी जेब से जा चुके हैं। किसी चीज को खरीदने में पैसे चले गए और आपने इस्तेमाल नहीं किया, वो तो वैसे ही खराब हो गया, लॉस हो गया वो तो। कम से कम यूज करके उसे एक्सपेंस तो बनाओ भाई। एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है। पेन खरीदा, यूज नहीं किया, बर्बाद हो गया ना। पैसे दुकानदार वापस थोड़ी कर रहे कि जी मैंने पेपर में यूज ही नहीं किया, पेन वापस लो, पूरे पैसे वापस करो। वो कहता बिका हुआ सामान वापस नहीं होता, पैसे गए। अब आपने यदि उसे इस्तेमाल किया होता, क्वेश्चन सॉल्व होता, मार्क्स आते और आपकी प्रोफेशनल डिग्री पूरी हो जाती 2-3 साल में, तो अच्छी जॉब लगेगी नहीं लगेगी? तो आज से नियम बना लो भाई, कोई क्वेश्चन आए ना आए ट्राई तो करके देखना जरूर है। 70-80% बच्चे वो होते हैं, हम क्यों करके देखें? इसलिए 70-80% रिजल्ट भी कम हो जाता है एग्जाम में। जब कोई करके नहीं देखेगा तो पास कैसे होगा, ठीक है ना।
दिमाग चलेगा यदि आप लिख के देखेंगे जरूर 100%। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, कितने एग्जांपल हो गए? चार हो गए, तीन हुए। हाँ जी, क्वेश्चन में हमें दे रखी है क्वांटिटी सोल्ड, आपको दे रखी है 10,000 यूनिट। क्वांटिटी सोल्ड आपको कितनी दे रखी है? 10,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है, और साथ में दे रखी है फिक्स कॉस्ट रुपीज में। 100 रुपये, 70 रुपये, 2,00,000 रुपये। पहला पॉइंट कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज आपको निकालना है क्वेश्चन में। दूसरा रिवाइज्ड सेल्स इफ न्यू ईबीआईटी इक्वल टू 1,60,000। वैसे क्वेश्चन दिया जैसे मैंने पिछला भी बनाया था आपकी प्रैक्टिस के लिए। रिवाइज्ड ईबीआईटी आपको निकालना है इफ न्यू सेल्स आपके पास में है 14,00,000 रुपये। चलो अब देखते हैं कितने लोग सही आंसर निकालते हैं। हाँ जी, कितने लोगों ने कर लिया? हाँ जी, फर्स्ट आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। किस नाम से? इनकम स्टेटमेंट के नाम से। तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से जो वर्किंग नोट बनेगा उसमें सेल्स कितनी है?
वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। बताइए भाई कितना कितना लिखूं? 10,000 यूनिट यदि मैं मार्केट में बेचूंगा 100 रुपये के हिसाब से तो मेरी सेल कितनी आएगी? 10 लाख। यानी 10,000 यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 7 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 3 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट कितने के बने? तो आपका ईबीआईटी कितना रहेगा? 1 लाख। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग लीवरेज चाहिए, जिसका फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो 3 लाख डिवाइड बाय इक्वल टू, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए सेकंड आंसर क्या निकालना है आपको, रिवाइज सेल्स निकालनी है यदि आपका नया ईबीआईटी कितना है, 1,60,000। तो पहले ईबीआईटी कितना था? 1 लाख। अब कितना है? 1,60,000। इसको ना कितना बड़ा? 60,000। 60,000 कितने परसेंट हुआ? 60%। तो सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ेगा, जिसमें आप क्या कहोगे, हमारा ईबीआईटी पहले कितना था, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी था 1 लाख। हाँ जी, न्यू कितना है? 160। तो चेंज कितना है? 60,000। तो परसेंट मतलब परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा? 60,000 1 लाख का 60%। अब ईबीआईटी यदि मेरा 60% चेंज होता है तो मेरी सेल कितनी चेंज होगी? तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन अपॉन ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, 3 इक्वल टू 60% डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ऐसे में परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी आ जाएगी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू 60% डिवाइड बाय 20%। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिवाइज्ड सेल्स पूछ रहे हैं, मतलब न्यू सेल्स पूछ रहे हैं, रिवाइज का मतलब न्यू सेल्स। तो न्यू सेल्स निकालने के लिए पुरानी सेल जो अभी थी आपकी, एग्जिस्टिंग सेल भी कह सकते हैं और प्रेजेंट सेल भी कह सकते थे, प्लस परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ जी, क्या कहते हो, एग्जिस्टिंग सेल कितनी है, 10 लाख प्लस इक्वल टू 12 लाख। जी 12 लाख कितने लोगों ने निकाल लिया था आंसर? ठीक है जी, जो नहीं निकाल पा रहे उनको कोई दिक्कत है भी, हम उससे पूछ लो, पेपर में तो सबको ही पास होना है ना, तो पढ़ना तो सबको ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सर मैंने नहीं किया, करना तो पड़ेगा भाई सबको। और मैं तो ये कहूँगा जी, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए पढ़ लो भैया, मेरे लिए पढ़ोगे, आपके यार दोस्त पूछेंगे कहाँ पढ़े थे, मेरा नाम लोगे और बिजनेस पढ़ेगा मेरा। ठीक है जी, लटक गए तो मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ पढ़े थे सुमित सर? फेल हो गए, नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो भाई मेरा फ्यूचर किसके ऊपर रहे, आप पर डिपेंड करता है भाई। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही तो हमारा सेटिस्फेक्शन है। हमारी सेल कब बढ़ेगी? जब स्टूडेंट की सेल, मतलब स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो बढ़ेगा, और उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो किसी कंपनी ने सामान बनाकर दे दिया लेकिन आप लापरवाही से यूज़ करोगे तो सामान तो जल्दी खराब होगा ना, इसमें कंपनी क्या कर लेगी? नहीं, पहले दो आंसर आ गए, पहले दो में कोई दिक्कत। अब तीसरा पूछे नया ईबीआईटी बताइए, नया ईबीआईटी बताइए यदि आपकी सेल कितनी हो, 14 लाख। पहले सेल कितनी थी? 10 लाख। अब कितनी है? 14 लाख। कितनी बड़ी? 4 लाख। 4 लाख मतलब 40%। ठीक है जी, तो जगह कम है, अगले पेज पे चले। नोट कर लिया सबने यहां तक? करो फटाफट से।
पहले आपकी सेल थी 10 लाख, अब होगी सेल 14 लाख। मन में भी कर सकते हो भैया, हर चीज लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। 10 लाख से 14 लाख हो गई कितनी बड़ी, 4 लाख। 4 लाख 10 लाख का कितने परसेंट है, 40%। ऑपरेटिंग लीवरेज का ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है ना, 40% × 3 120%। तो आपका नया EBIT पुराने EBIT से 120% क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पुराना EBIT कितना है, 1 लाख प्लस 120%, 2,20,000 हो जाएगा। ये तो ओरली कर सकते हो, ठीक है ना भाई। ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऐसे कर लेना, और सब्जेक्टिव आएंगे तो भैया सबको लिख के दिखाना पड़ेगा। लिख लिया यहां तक सबने, चलिए नेक्स्ट देखो। तीसरा आंसर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यू EBIT चाहिए, जिसमें हमें पुराने EBIT में जितना EBIT हमारा फ्लक्चुएट हुए उतना जोड़ दो, परसेंटेज चेंज इन EBIT। पुराना EBIT कितना था, अब परसेंटेज चेंज इन EBIT अभी ओरली कितना निकाला था हमने, 120%। तो 1 लाख का 120%, 1,20,000 जोड़कर कितना आएगा। तो जिन बच्चों को 120% में दिक्कत है उनके लिए वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सेल्स कौन सी, देखिए मैं लिखता हूँ इसलिए मेरा आंसर जल्दी आ जाता है, और आप मन में सोचते रहते हो। आपने कहा सर हमारी सेल पहले कितनी थी, अब हम कितनी चाहते हैं, कितनी बढ़ाना चाहते हैं, 4 लाख 10 लाख का कितना हुआ, 40%। पहली कैलकुलेशन तो ये होगी। फिर दूसरा ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला यूज करो। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलता है ये स्टेप पहले आएगा ये बाद में आएगा। तो मैंने देखा मुझे निकालना क्या, अभी मैंने आपको बोला था शुरू में क्या निकालना है पहले वो देखो, और उसका क्या फॉर्मूला है वो देखो। निकालना क्या है, नया EBIT फॉर्मूला क्या, पुराना EBIT प्लस परसेंटेज चेंज इन EBIT। पुराना EBIT क्वेश्चन में गिवन है, ढूंढने में मेहनत कहाँ करनी है, सिर्फ 120%। और वो 120% ढूंढने के लिए ये मेरा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, 3, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है, 40%। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT जो नहीं दे रखा था वो कितना आ जाएगा। यदि आप भी ऐसे ही करेंगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा। बोलो भाई रिपीट करना है, नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। एग्जाम में आपको सब कुछ ऐसे ही करके आने, एक तरफ वर्किंग नोट्स बनाइए और एक तरफ सॉल्यूशन। अच्छा कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी होती, तो सबने मार्जिनल कॉस्टिंग वर्ड तो नाम सुना ही होगा, वहां पे क्या निकालना से भी ये सिखाते हैं। फिक्स कॉस्ट किसकी मदद से, बीपी सेल की मदद से। किसकी मदद से, बीपी सेल, ब्रेक इवन पॉइंट सेल, वो सेल जहां पे कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा। जिस सेल पे कंपनी का प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट, मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट 0 होता है उस सेल को क्या कहते हैं, बीपी सेल। और वहां पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट 0 आएगा। कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, EBIT की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, EBIT। तो जिस सेल पे EBIT 0 होता है उस सेल को कहते हैं बीपी सेल, ठीक है। अच्छा एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो सेल जिस पे नेट प्रॉफिट 0 होता है उसे बीपी सेल कहते हैं, सही आंसर है। वो सेल जहां पे नेट प्रॉफिट 0 होता है उसे बीपी सेल कहते हैं, सही आंसर है या गलत आंसर है। ट्रू फॉल्स ऐसे ही तो पूछते हैं एग्जाम में, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हम EBIT को 0 की बात कर रहे हैं ना कि नेट प्रॉफिट। EBIT से नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए तो अभी उसमें से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है, तब जाके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा आपका। हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। वो प्रॉफिट मतलब वो सेल जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट 0 होता है वो सेल बीपी सेल होती है, सही है।
ग्रॉस प्रॉफिट की बात थोड़ी चल रही है, किसकी बात चल रही है? ईबीआईटी ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालते टाइम ना तो हम ऑफिस एक्सपेंस माइनस करते ना सेलिंग एक्सपेंस, वो दोनों एक्सपेंस को भी माइनस करने बाकी है, वो भी आंसर क्या गलत? कौन सी सेल बीपी सेल मानी जाती है? जहां पर ईबीआईटी जीरो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जीरो होता है या नेट प्रॉफिट जीरो होता है? ईबीआईटी जीरो होता है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जीरो होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट कर लिया सबने? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, बीपी सेल का मतलब क्या? वो सेल्स जहां पे कंपनी का जो ईबीआईटी होता है वो जीरो होता है। हाँ जी, सेल्स विच प्रोड्यूस नो प्रॉफिट नो लॉस इज नोन एज बीपी सेल। वो सेल जो जीरो प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं बीपी सेल। अब ईबीआईटी जीरो का मतलब क्या हुआ? ईबीआईटी जीरो का मतलब जो कंपनी ने कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया था वो कंपनी के फिक्स कॉस्ट के बराबर है, क्योंकि ईबीआईटी कैसे निकालते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। और यदि ईबीआईटी जीरो है तो कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट क्या हो गए? बराबर। अब कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के क्या क्या तरीके अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैथड नंबर वन, यदि मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, सेल्स इंटू पीवी रेशो, सेल्स इंटू पीवी रेशो। भाई कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला क्या है? सेल्स इंटू पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। भाई ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है सेल इंटू पीवी रेशो, वो तो किसके बदले में लिखा है? कॉन्ट्रीब्यूशन के बदले में लिखा है, बट राइट साइड पे तो क्या लिखा है? फिक्स कॉस्ट। तो यदि मुझे क्वेश्चन में सेल्स निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो। ध्यान रखना ये तो सेल निकलती है, इस सेल का नाम क्या होता है? बीपी सेल। मेथड नंबर टू, यदि मैं क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई कर दूं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से, क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो भी तो क्या निकल के आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये किसके इक्वल है? तो मुझे अलग से फिक्स कॉस्ट भी लिखनी पड़ेगी। यदि मैं क्वांटिटी सोल्ड निकालना चाहता हूं तो क्वांटिटी सोल्ड निकालने के लिए मुझे फिक्स कॉस्ट को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट किसके बराबर होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब इस क्वांटिटी सोल्ड को क्या कहते हैं? बीपी क्वांटिटी सोल्ड। बीपी क्वांटिटी सोल्ड का मतलब इस क्वांटिटी के बेचने पर आपका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आपके फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, और जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? जीरो होगा। तो क्वेश्चन ये बनता है ऐसी सेल निकालने का फायदा क्या है जिसपे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा? ऐसी सेल जिसपे बिजनेस का प्रॉफिट जीरो है वो क्यों निकालना चाहते हैं? जीरो सेल पे हमें क्या फायदा, मतलब जीरो प्रॉफिट पे हमें क्या फायदा ऐसी सेल निकाल के? तो हम अपने टारगेट देते हैं सेल डिपार्टमेंट को, कम से कम कितनी सेल करो? इतनी सेल तो जरूर करो, लॉस हो रहा है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। नो लॉस नो प्रॉफिट है, जितना लगाया उतना वापस मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आज मेरी जेब में 100 रुपए थे, वापस शाम को 100 रुपए आ गए, टाइम पास हो गया, पर 100 के 100 तो है ही। मान के चलो बिजनेस आपने आज शुरू किया ही नहीं, कब से कर रहे हो? कल से। बस जितना पैसा आज आपकी जेब में है शाम तक उतना पैसा वापस आ गया, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो जिंदगी को एक दिन और दिया जा सकता है, फिर से अगले दिन कितने रुपए होंगे? 100 रुपए। लेकिन आज 100 रुपए लगाए और शाम तक वो 70 रुपए रह गए, 30 रुपए का घाटा हो गया, तो आपको क्या लगेगा? यार कल फिर 70 रुपए लगाऊंगा पता रहेगा 40 लगाऊंगा पता रहेगा 10, और 10 के बाद 0। तो ऐसे बिजनेस में कोई फायदा नहीं है। तो बीपी सेल मैन्युफैक्चर को क्या समझाता है कि इतनी सेल आपको हर साल जरूरी है करना, ताकि आपकी जितनी फिक्स कॉस्ट है वो आपकी सारी रिकवर हो जाए और बिजनेस में आप सर्वाइव कर सके। और यदि इससे ज्यादा सेल हो जाए तो फिर आपको क्या फायदा ही फायदा है। तो मिनिमम सेल कौन सी सेल होती है? बीपी सेल। और मैक्सिमम सेल कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है ना। पर ज्यादा से ज्यादा सेल होने का तो मतलब क्या है? प्रॉफिट का बढ़ना, बट मिनिमम सेल का मतलब बीपी सेल।
तो बीबी सेल निकालने के लिए मेरे पास में दो ऑप्शन आ गए। अब बीबी सेल में किस पे निकालना चाहता हूँ, यूनिट्स में या अमाउंट में? तो यदि मुझे रुपीज में निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, और यदि यूनिट्स में निकालना है ये फॉर्मूला। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं बीबी सेल के, बट इस चैप्टर में जिसका नाम है लीवरेज, हम जनरली ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। वैसे टोटल होते हैं 8 फॉर्मूले, कितने होते हैं 8, 4 आंसर होते हैं रुपीज वाले और 4 किसमें होते हैं यूनिट्स में, जो डिटेल में बताएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो हर चैप्टर में उतना ही पढ़ो ना जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है जितना। तो वो सेल जहां पे हमारा ईबीआईटी 0 होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, वहां पे कंट्रीब्यूशन निकालने का एक तरीका क्या है, सेल्स इनटू पीवी रेशो, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। फॉर्मूले दो हो गए तो इसलिए मेथड का नाम क्या रख दिया, मेथड 1 एंड मेथड 2, ठीक है इतना। अब इन फॉर्मूलों से मैं क्या ढूंढना चाहता हूं, फिक्स कॉस्ट, मैं क्या ढूंढना चाहता हूं, फिक्स कॉस्ट। चलिए भाई एग्जांपल नंबर 5, यानी फिफ्थ एग्जांपल में हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आपके लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो मैंने लिखा 20 रुपये, फिर लिखा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो मैंने लिखा 10 रुपये, फिर मैंने लिखा बीईपी सेल, दस हजार यूनिट। मैंने आपसे कहा फाइंड पहला फिक्स कॉस्ट, दूसरा ऑपरेटिंग लीवरेज, तीसरा न्यू ईबीआईटी इफ न्यू सेल्स इक्वल टू रुपीज तीस लाख। सबसे आसान होता है क्वेश्चन को बनाना, बनाने में बड़ा मजा आता है मुझे, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10 रुपये, बीपी सेल कितना है 10,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट आपको ढूंढना है। तो मैंने जानबूझ के बीपी सेल वर्ड यूज किया आपके लिए, क्योंकि बीपी सेल में कहीं ना कहीं कौन सा नाम यूज होता है, फिक्स कॉस्ट। अब आपके सामने बीपी सेल किस में, यूनिट्स में या रुपीज में, यूनिट्स में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए आपको, 1 एंड 2 यूज करना चाहिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करूं, सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए फर्स्ट पार्ट में, बीपी सेल यूनिट्स का जो फॉर्मूला वो लिखना चाहिए जो मैंने लिखवाया था आपको, फिक्स कॉस्ट इन रुपीस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपने कहा सर बीपी सेल हमारे पास कितनी यूनिट है, 10,000, फिक्स कॉस्ट तो नहीं पता, सेलिंग प्राइस कितनी है 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10। तो ऐसे में फिक्स कॉस्ट जो आपको नहीं पता, यानी 10,000 × 10 कितना लिख दूं, 1,00,000। अच्छा यहाँ पे 30,00,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है ना, 3,00,000 कर लो। यानी न्यू सेल को मैंने 30,00,000 की जगह 3,00,000 करा दिया, बहुत बड़ा हो जाता नहीं तो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पहला आंसर आपने निकाल लिया, दूसरा क्या चाहिए आपको, दूसरा आंसर क्या चाहिए, ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसका फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अच्छा ईबीआईटी कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। एक आसान तरीका क्या है, इनकम स्टेटमेंट बना लो, क्या बना लो, इनकम स्टेटमेंट। तो वर्किंग नोट में इनकम स्टेटमेंट बना लो, यदि मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मुझे क्वेश्चन में एक चीज और चाहिए, कौन सी सेल, लिखो एक्चुअल सेल 14,000 यूनिट,
हाँ जी, एक्चुअल सेल्स कितनी है क्वेश्चन में? 14,000 यूनिट। एक्चुअल सेल्स कितनी है क्वेश्चन में? 14,000 यूनिट। अब जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे? एक्चुअल सेल पे। 14,000 वो सेल है जो कंपनी ने की है एक्चुअल में, और उसमें से 10,000 यूनिट कौन सी सेल है? बीपी सेल, जहां पे उनके फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई। बताओ भी जल्दी से, इनकम स्टेटमेंट यदि हम बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट सेल वैल्यू कितनी होगी? 14,000 यूनिट, 20 रुपए के हिसाब से कितना लिखूं? वेरिएबल कॉस्ट 14,000 यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से। कंट्रीब्यूशन 1,40,000। फिक्स कॉस्ट, तो आपका कंट्रीब्यूशन माइनस करने, मतलब फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद ईबीआईटी कितना आएगा? हाँ जी, 1,40,000 को डिवाइड कर दो किससे, कितना लिखूं? 3.5। तो पहला आंसर भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा आंसर तो आपने कई बार निकाल लिया। अभी कीजिए फटाफट से, तीसरा आंसर निकला किसी का? Yes, कितने? 50,000। यदि आपकी सेल 3,00,000 रुपए हो जाए तो आपका नया ईबीआईटी कितना होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी सेल्स कितनी थी पहले? 2,80,000। नई सेल कितनी है? 3,00,000। कितनी सेल बढ़ी? 20,000। 2,80,000 का कितने परसेंट है? हाँ जी, 20,000 डिवाइड बाई 2,80,000। कितना लिख रहे हैं? 7.142857। ठीक है जी, बहुत आ गया था, मैंने इतना लिख दिया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में सेल मेरी इतनी बढ़ रही है, फिर नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज का, जिसमें हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ये आपके पास था 3.5। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपको निकालना है अभी, और ये आपके पास है 7.14।
ठीक है ना, ज़्यादा लिखने से फायदा होता है कि मोर एक्यूरेट आंसर मिल जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना लिखेंगे, 3.5 × 7.14 2857% इसको 3.5 से मल्टीप्लाई किया कितना लिखेंगे, 24.99999 आ रहा था, तो मैंने कहा राउंड ऑफ करके कितना लिख दो, 25%। अब ऐसे में न्यू ईबीआईटी बराबर होगा किसके, पुराना ईबीआईटी प्लस परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो आपने कहा सर हमारा पुराना ईबीआईटी कितना है क्वेश्चन में, 40,000, और उसका 25% 10,000 होता है, 40,000 का 25% 10,000, तो नया ईबीआईटी कितना हो जाएगा, 40,000। कोई दिक्कत इसमें, हाँ जी, कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बताइए। तो बीपी सेल का इस क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस होना क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज, और ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन तो मिल जाएगा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, बट ईबीआईटी को ढूंढने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट की, और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में देनी रखी थी, जिसके लिए हमने कौन सी सेल की मदद ली, बीपी सेल, ठीक है ना। तो बीपी सेल की मदद से फिक्स कॉस्ट निकाला, एक्चुअल सेल की मदद से इनकम स्टेटमेंट बनाई, जहां पे आपको दो चीजें मिल गई, कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। अच्छा एक बात बताना, एक्चुअल सेल 15,000 हो, 16,000 हो, 18,000 हो, 20,000 हो, बीपी सेल पे कोई फर्क पड़ेगा, बीपी सेल तो हमेशा कितनी रहेगी, 10,000 ही रहेगी। भाई मैं 10,000 के बाद जो भी सेल करूंगा उस सेल पे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ध्यान से समझना, 10,000 कौन सी सेल है, बीपी सेल है, इस सेल के बाद जो भी सेल करूंगा उस सेल पे मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो सेल मैं चाहे 10,000 की जगह 11,000 करूँ, या 12,000 करूँ, या 15 करूँ, या 20 करूँ, या 25 करूँ, या 50 करूँ, या 1,00,000 करूँ, 10,000 यूनिट तक जो सेल होगी वो सेल कौन सी होगी, बीपी सेल। तो हर क्वेश्चन में ध्यान रखना बीपी सेल कॉन्स्टेंट होती है, और बीपी सेल के बाद जो एक्चुअल सेल होती है, मतलब जो एक्चुअल सेल है वो आपकी 14,000 है, तो एक्चुअल सेल आपकी 14 की जगह 15 भी हो सकती थी क्वेश्चन में, 25 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस समझ रहे हो। तो कौन सी सेल क्वेश्चन में बदल सकती है, एक्चुअल सेल, कौन सी सेल आपकी सेम रहेगी, बीपी सेल, क्यों, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जिससे मैंने बीपी सेल निकालना है, इसमें फिक्स कॉस्ट नेचर में क्या है, कॉन्स्टेंट, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कॉन्स्टेंट। जब एक फॉर्मूले में तीन चीजें यूज हो रही और तीनों नेचर में कॉन्स्टेंट है, तो आंसर भी क्या आएगा, कॉन्स्टेंट ही आएगा ना, ठीक है ना। जैसे माँ बाप का नाम कॉन्स्टेंट होता है बच्चों के लिए, बच्चा अपना नाम बदल सकता है, रामू श्यामू हरी कुछ भी लिख ले, बट अपने बाप का नाम या अपनी माँ का नाम थोड़ी बार बार बदल के लिखता है, बात समझ में आ रही है। ठीक उसी तरीके से बच्चे अपने मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, बट उनका जो ईमेल आईडी होता है वो जनरली क्या होता है, सेम ही रखते हैं, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर तो जैसे जैसे सिम कार्ड की स्कीम आती है, भाई 50 रुपये का रिचार्ज कराओ 500 रुपये की वैल्यू मिलेगी, तो पुराना सिम क्या कर दो, बंद कर दो। लेकिन ईमेल पे कोई ऐसी स्कीम नहीं आती कि ईमेल बदलोगे तो 50 का 500 मिलेंगे, ऐसा कोई स्कीम आती नहीं ईमेल पे, इसलिए बंदा ईमेल चेंज नहीं करता। तो लोगों की पहचान किससे होती है, मोबाइल नंबर से या ईमेल से, ईमेल। तो सबसे पहले हर बंदे का क्या मांगते हैं, अपनी ईमेल आईडी बताइए, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट रहता है, जल्दी से चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो उसी तरीके से बीपी सेल को निकालने के जो तीन चीज़ें, फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, ये नेचर में कॉन्स्टेंट होती है, जिसकी वजह से एक्चुअल सेल चाहे 14,000 हो या 12,000 हो या 15 हो या 20 हो, बीपी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आज की क्लास में अभी तक मैंने सिर्फ क्या बताया आपको, ऑपरेटिंग लीवरेज, और उसमें उसका भी डेरिवेशन नहीं सिखाया। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेशन सीखेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, सारे लीवरेज एक साथ करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, हाँ जी बिल्कुल दिखाते हैं, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको। तो कितने तरीके का सेल का इंपैक्ट प्रॉफिट पे देखना है, तो प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर
होल्डर। तो ईबीआईटी का दूसरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अर्निंग पर शेयर किसका प्रॉफिट होता है? इक्विटी शेयरहोल्डर का। बस आपको इस चैप्टर के अंदर ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ज़्यादा मेहनत कम रिजल्ट या कम मेहनत ज़्यादा रिजल्ट। तो जो लोग कम मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं उनके लिए टेक्निक का नाम है लीवरेज टेक्निक। कौन सी टेक्निक? लीवरेज। मेहनत तो सारे ही करते हैं, कम करके ज़्यादा कमाओ ना। हाँ जी, कौन सा आंसर देखना चाहते हो आप? लो जी, थर्ड आंसर देख लो। यही है थर्ड। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CA फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम डूइंग CA इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ COC सिंस क्लास 11th एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय CMA इंटरमीडिएट फ्रॉम CAC एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द CMA फाइनल। मैंने YouTube पर पहली बार तो सिर्फ एक क्लास देखी, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करो तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हैं, आप लाइव क्लासेस में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर ओवर कमेंट। थैंक्स टू COC माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।